पुलिस कमिश्नरी लागू हुए पूरे एक महीने हो चुके हैं और इसका रियलिटी चेक करने के लिए R9 की टीम निकली उन जगहों की पड़ताल करने जिन पर कभी पुलिस की पेट्रोलिंग पर सवाल उठते थे। और हमारी संवाददाता अपर्णा दीक्षित ने भंगेल का जायजा लिया और जानने की कोशिश की कि पुलिस कमिश्नरी लागू होने से कितना कुछ बदला। अभी जिस जगह मैं खड़ी हुई हूँ उसका नाम भंगेल है। यहाँ पर बड़ी तादाद में अतिक्रमण, जो अवैध अतिक्रमण हुआ करता था रोड पर, वो किया जाता था। जब से कमिश्नरी लागू हुई है तब से इसमें कुछ राहत नज़र आ रही है। आप हमारे पीछे वाहन देख सकते हैं कि किस तरीके से निकल रहे हैं। यही वाहन जब पहले निकला करते थे, जब अतिक्रमण लगा था यहाँ पर, उससे पहले यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा लोगों को यहाँ ट्रैफिक जो पीक आवर होता है उनमें निकलने में इनको यहाँ से लग जाता। लोग ज़्यादातर इस रूट को अवॉइड किया करते थे, पर आप हमारे पीछे खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रैफिक की जो समस्या में कितना ज़्यादा सुधार आया है। और भी जगह हैं, उनमें बात करेंगे और देखेंगे लोगों से और बात करेंगे लोगों से कि किस तरीके से अवैध अतिक्रमण में सुधार आया है, फायदा हुआ है, किस तरीके का फायदा हुआ। जैसे कि पहले गाड़ी वगैरह कोई ठेली वगैरह लगी रहती थी, उससे बहुत फायदा हुआ ही है। जाम वगैरह, हाँ, ट्रैफिक वगैरह लगता था। और पहले जितनी ट्रैफिक यहाँ पे हुआ करती थी, अब बिल्कुल ट्रैफिक नहीं होती। थोड़ा सा और ट्रैफिक कम होगा, जैसे 4-व्हीलर की पार्किंग यहाँ पे दुकानदार की हो या किसी की भी हो, यहाँ पे स्पेस बहुत है, मगर जब दोनों तरफ पार्किंग लगी हुई होती है तो उस वजह से ट्रैफिक थोड़ा सा हो जाता है। अगर ये गाड़ियाँ हट जाए यहाँ से तो और ट्रैफिक कम हो सकती है। अब पता ना, ठेली पटरी हटने से हमारा पर काम का बहुत कम हो गया, काम हमारा काम कम हो गया, दुकानदारी नहीं हो रही है। अब कारण क्या है, पटरी पे 36 लोग आते थे, रुकते थे, देख के लेते थे, अब कोई रुकता ही नहीं है। आते हैं तो गाड़ी वाले चालान कर देते हैं। यहाँ पे शाम की दुकानदारी खत्म होगी, ग्राहक नहीं आता, कोई मोटरसाइकिल वाला आया कि सामान लेगा, गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा, अपनी पॉकेट में तो रखेगा नहीं, उसका चालान काट देते हैं। बताइए, जब जब ग्राहक नहीं रहेगा तो दुकानदार यहाँ क्या करेगा, आगे नहीं बाजार में क्या करेंगे, बताइए। दुकानों का रेंट भी देना है, लेबर खर्चा भी है, अपना भी खर्चा है, क्या करेंगे बताइए। कमिश्नरी आने के बाद काफी अंतर देखने को मिला है हमें, लोगों में भी एक सुरक्षा का भाव पैदा हुआ है। जब हमने ग्राउंड लेवल पर जाके देखा तो कहीं जगह अतिक्रमण हटा है तो कहीं जो हमारा मुख्य बाजार है सेक्टर 18, वहां पर अभी भी अतिक्रमण साफ तौर पर देखा जा सकता है। काफी ज्यादा मशक्कत के बाद भी वहाँ अतिक्रमण जस का तस दिखा। काफी जरूरत है उस जगह को अतिक्रमण फ्री करने की। कैमरामैन अमित के साथ मैं अपर्णा दीक्षित, R9 TV, उत्तर प्रदेश। तो रियलिटी चेक के दौरान हमारे संवाददाता गिरीश नारायण ने नोएडा के लोगों से पुलिस कमिश्नर को लेकर बात की और जानने की कोशिश की कि कितना फर्क आया है और पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने से। देखिए इस दौरान लोगों ने क्या कुछ कहा। नोएडा में करीब एक महीना हो गया है कमिश्नरी प्लानिंग लागू करने की, लेकिन बात करें धरातल की तो सड़कों पर पुलिस नदारद है, अपराध अपने चरम पर है। लोगों का मानना भी है कि कमिश्नरी लागू करते वक्त तमाम वादे किए गए थे, सड़कों पर पुलिस होगी, अपराधों पर लगाम लगेगी, लेकिन एक महीना होने के बावजूद भी इस तरह के तमाम वादे खोखले साबित हो रहे हैं। सर, बात की गई थी कि सड़कों पर पुलिस दिखेगी, अपराध पर लगाम लगेगा, तो किस तरह से? अरे, हमको कुछ नजर नहीं आ रहा है, जनता को ही सोचना। जैसे हम लोग अपने बारे में सोच रहे हैं कि जनता ही हर चीज करे, अब हम लोग कर रहे हैं, जैसे हेलमेट बांट रहे हैं, तो हम लोग खुद पुलिस का प्रशासन का कुछ नहीं तो समझना, चाहे वो DM सर हों, चाहे वो SDM सर, हम सब के पास जाते हैं मिलने के लिए ना। आज तक जाए कोई भी काम हो, गाँव चाहे गाँव में चले जाइएगा, कहीं पर चले जाइएगा, कोई वो नहीं है। अभिषेक जी, करीब एक महीना हो गया है कमिश्नरी लागू हुए, तो क्या सड़कों पर आपको पुलिस दिखाई देती है? क्राइम को लेकर कंट्रोल हुआ है कुछ? जी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है कि पुलिस दिखाई दे रही है, ये है वो है, बस ये दिखावटी ये है कि जैसे कोई नेता वगैरह आएंगे तो आपको रोड साफ मिलेगी, पुलिस की पूरी फुल प्रोटेक्शन दिखेगी, बस ये दिखावटी है। जैसे कोई नेता आएगा तो पूरा प्रोटेक्शन है, उस वो चले गए फिर वैसे ही सेम हालत है, कोई लागू। सुमित जी, करीब एक महीना हो गया कमिश्नरी लागू हुए, तमाम वादे किए गए थे कि पुलिस फोर्स बढ़ेगी, अपराध में लगाम लगेगी, किस तरह से आपको कुछ महसूस हुआ है कि कुछ बदलाव आया है?
कमिश्नरी को लगे हुए लगभग एक महीना हो गया है आईडी ऊपर। आप इस चीज़ को देख सकते हो कि पहले भी जितना क्राइम हो रहा था और कमिश्नरी लागू होने के बावजूद भी वही क्राइम हो रहा है। रात में चोर आते हैं, डकैती डाल लेते हैं, पुलिस क्या करती है पता नहीं, पेट्रोलिंग कहाँ होती है पता नहीं, उतना ही एक्सीडेंट, उतना ही डकैती, उतना ही चोर, उतना ही क्राइम, लगातार वही रेट है। गौरव जी, कमिश्नरी लागू हुई है करीब एक महीना हो गया है, किस तरह का फर्क देखते हैं आप? कुछ खास फर्क तो दिखा नहीं है। आज की डेट में भी आप देखेंगे चलते फिरते जहाँ होनी चाहिए पुलिस, सारे लोग, कोई खास नहीं है, ही नहीं, ठीक है। उसके बाद अगर क्राइम की बात आप कर लो ना, पहले SSP बैठते थे, अब कमिश्नर बैठते हैं, बट SSP बैठने के बाद भी आपको कोई भी क्राइम में बदलाव नहीं दिया, सेम है, बल्कि मैं तो कहता हूँ 19-20 हो गया होगा, ठीक है, तो ऐसा कोई खास फर्क तो है नहीं। नोएडा में करीब एक महीना हो गया है कमिश्नरी प्रणाली लागू हुए, लेकिन बात करें धरातल की तो अभी भी सड़कों पर पुलिस नजर नहीं आ रही है। बात करें अपराध की तो लगातार अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं। जब इस मामले पर हमने नोएडा के लोगों से बात की तो उनका भी कहना है कि कमिश्नरी लागू होने के वक्त तो तमाम वादे किए गए थे वो सड़कों पर नहीं दिखते हैं। नोएडा से गिरीश नारायण, R9 TV। तो वहीं रियलिटी चेक के दौरान संवाददाता अक्रम खान ने भी लोगों से बातचीत की और पुलिस कमिश्नर की सच्चाई जानने की कोशिश की। इस दौरान सभी ने पुलिस कमिश्नर को लेकर अपनी अपनी राय दी। आइए जानते हैं यहां के लोगों का क्या कुछ कहना है कमिश्नर राज को लेकर। गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरेट लागू हुए लगभग एक महीना होने को जा रहा है। पुलिस दावे कर रही है कि सुरक्षा व्यवस्था पहले से मजबूत है और जगह जगह पेट्रोलिंग की जा रही है, लेकिन कितना गौतम बुद्ध नगर बदला है उसको जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, जिसमें व्यापारिक वर्ग भी है, समाज के लोग भी हैं और स्वयंसेवी संस्था के लोग भी मौजूद हैं, और क्या कुछ बदला है जरा इनकी जुबानी जानते हैं। सर, आप ये बताइए, एक महीना गौतम बुद्ध नगर में हो गया कमिश्नरेट लागू हुए, कितना बदलाव आप लोग महसूस करते हैं कमिश्नर लागू होने के बाद? नहीं, हम कुछ भी 1% अभी महसूस नहीं कर रहे, क्योंकि घटनाएं रोज घटित हो रही हैं। कोई भी व्यापार मंडल का कोई भी कस्बा अधूरा नहीं है जहां घटना घटित नहीं हो रही हो। अभी 3 दिन पहले नोएडा में ज्वेलर्स को मारा, उसके गोली मार दी, अभी कल सूरजपुर में ही घटना घटित हुई है, मेडिकल स्टोर लूटा गया। ये भी हमारे जो भूमेशी गोयल हैं ये व्यापारी हैं, सूरजपुर में व्यापार है, बहुत बड़ा व्यापार है और बहुत सज्जन और बहुत ही नेक इंसान है, और इनके यहाँ भी जबरदस्त इनके घर पर रेकी करके लूट को अंजाम दिया गया है। इस प्रकार से कमिश्नरी का हमें 1% भी अभी कोई भी लाभ मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा व्यापारी वर्ग में। सड़कों पे सुरक्षा की बात की जाए तो जरा जानते हैं सर, सड़कों पे जो सुरक्षा है क्या पहले से मजबूत हुई है, क्योंकि गौरव चंदेल हत्याकांड के बाद सड़कों पे क्या आप महसूस करते हैं? ऐसा कुछ नहीं हुआ है सड़कों पे, बस पुलिस तो है सिर्फ रिश्वत लेने के लिए। पुलिस आपको दिखती है पहले के मुकाबले? पुलिस दिखती है सिर्फ, वो अपनी उगाही चलती है उनकी, और कुछ नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, कोई व्यवस्था, सब डिसमिस है। अच्छा, महिलाओं को लेकर बात की जाए तो क्या महिला के प्रति पहले से अब की बार पुलिस का जो नजरिया है वो क्या सख्त हुआ है, या उसी चाल पर अब तक पुलिस चल रही है जैसे पहले चल रही है? अभी कोई सुरक्षा नहीं है जी, महिलाओं के बारे में कोई सुरक्षा नहीं है, और ग्रेटर नोएडा की सुरक्षा तो बहुत ही खराब है जी, और सूरजपुर का। देखिए, युवा भी हैं, जरा उनसे भी जानते हैं। भैया, आप बताएंगे जरा कि युवा को लेकर आप क्या महसूस करते हैं जब सड़कों पर निकलते हैं तो पहले से? मैं भी किशोर मेट्रो में आया हूँ, थोड़ा सा सड़कों पे आपको लगता है पुलिस है पहले के मुकाबले? कहीं रहती है कहीं नहीं, तो हर जगह का अपना अपना अंतर है। ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर आप क्या कहेंगे? ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी बस यही है कि जाम तो हर जगह मिलता ही मिलता है, और जहाँ पुलिस को खड़ा होना चाहिए वहाँ कहीं खड़ी होती भी है, कहीं नहीं भी होती है, दोनों ही। देखिए, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पहुँचे हुए भी हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना है कि जिस धरने पे पहले पुलिस चल रही थी वही अब भी है, लेकिन सड़कों पे पुलिस जरूर दिखती है, लेकिन जो उसका मकसद है क्राइम फ्री होना या लोगों में सुरक्षा की भावना होना, वो कहीं तक नज़र नहीं आती, और यही वजह है कि लोग अब भी SSP ऑफिस या आयुक्त ऑफिस में अपनी परेशानियों को समाधान कराने के लिए लगातार पहुँच रहे हैं। ग्रेटर नोएडा से R9 TV के लिए अक्रम खान। देखिए, इस कमिश्नर सिस्टम में 2 SPs की नियुक्ति हुई है, एक जो शुद्ध रूप से ट्रैफिक की समस्याओं का निदान करने के लिए कर्तव्यरत हैं, और एक महिला सुरक्षा को लेकर जो समस्याएं हैं उसके लिए एक महिला SP नियुक्त की गई हैं। बिल्कुल ऐसी कार्रवाइयां जारी रहेंगी, क्योंकि मुख्य उद्देश्य यह है कि जनता को राहत मिले, उनकी जो जेन्युइन समस्याएं हैं उनका त्वरित निस्तारण हो।